राजकुमारी हैं और ये ग्राम नंगझर से आई हुई हैं और इस बहन की गवाही है कि 2 माह से इनका प्रेग्नेंट रुका हुआ था और ब्लड भी आना चालू हो गया था और डॉक्टर बता रहे थे कि बच्चा जो है पेट में खराब हो गया है, धुलाई करवाना पड़ेगा करके, लेकिन बहन ने प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के दास से प्रार्थना कराई, सोनोग्राफ करवाई, तो सारी रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम में अभी नॉर्मल है और बच्चा सुरक्षित है। आइए खुदा की महिमा के लिए जोर से ताली बजाइए। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात का देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सिस्टर बताएंगे प्रार्थना के बाद आपके की। मैं अगले संडे को आई थी, फिर ब्लडिंग चालू हो गए, फिर भैया से बोली तो प्रार्थना की, फिर सोनोग्राफी करने गई, डॉक्टर खराब हो गए बोल रही थी, फिर मैं सोनोग्राफी के लिए गए तो भैया से फिर से प्रार्थना करवाई, भैया बोली कुछ नहीं होगा बहन, विश्वास करके। फिर मैं गराई तो मैं प्रभु से बोली, मैं रविवार के प्रभु मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना और सुरक्षित हुआ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद और मेरे भैया पास्टर को भी धन्यवाद और मेरी दी अनिता को भी धन्यवाद। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। प्रभु के दास, इस बहन के भी एक गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इस बहन का नाम शिव कुमारी है। ओके। और ये ग्राम अकलसरा से आई हुई है। हाँ। और इस बहन की गवाही है कि इनके घुटनों में 2 साल तक दर्द हो रहा था और बहन ने प्रभु के दास से विश्वास के साथ प्रार्थना कराई तो अभी इनके घुटनों का सारी दर्द यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो गई है। आई चर्च ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की। खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। प्रभु के दास, इस बहन के भी एक गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इस बहन का नाम रामेश्वरी है। ओके। और ये ग्राम चार पारा से आई हुई है। हाँ। और इस बहन की गवाही है कि इनके खेत के विषय में कुछ केस चल रहा था और हाँ। बहन ने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो जो भी केस चल रहा था वो यीशु मसीह के नाम में सॉल्व हो गया है। आई चर्च ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की। जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। प्रभु के दास, इस बहन के बेटे की एक बड़ी गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इसके बेटे का नाम उमेश है। हाँ। और ये ग्राम मोहतरे से आए हुए हैं। ओके। और इनका बेटा का गवाही है कि उनका जो ब्लड का लेवल था वो 7 ग्राम था, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा कमजोरी होता था। हाँ। और उस भाई ने प्रभु के दास से विश्वास के साथ प्रार्थना कराई तो खुदा ने उनके ब्लड को 3 ग्राम तक बढ़ा दिया है। आई चर्च जोर से ताली बजाकर खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। प्रभु के दास, इस बहन के भी एक बड़ी गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इस बहन का नाम रजनी बघेल है और हाँ। उनके बगल में खड़ा भाई का नाम नीलेश बघेल है। हाँ। और ये ग्राम छपोरा से आए हुए हैं। हाँ। और इनकी गवाही है कि खुदा ने इनके नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सहायता किया। इन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई, जैसे ये हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाने के आधा घंटा बाद तुरंत रिपोर्ट आया, तुरंत रिजल्ट आया और परमेश्वर ने एक नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेटी के द्वारा ब्लेस किया है। आई चर्च ताली बजाकर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और इस बहन की विषय पास्टर जी की आप आए और इस इनके बेटे के लिए प्रार्थना करें।
और भाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हालेलुया, सबको जय मसीह की, जय मसीह की। और हमारे आत्मिक पिता पास्टर जी से हमने प्रार्थना करवाया था कि हमारा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो जाए, और 11 तारीख की रात 7:30 बजे हमारा बच्चा हमें नॉर्मल डिलीवरी के साथ। ओ जीसस, जोरदार यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओके, प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस बेटा के लिए और इस बेटे के नाम थोड़ा। हमारे बच्चे को अपने हाथों में लेकर इसे ब्लेसिंग के साथ अपना आशीर्वाद दे सेवकाई के लिए। यस, ओके ओके, हम प्रार्थना करके हम रख लेंगे फिर। ओके ओके, ठीक, कोई बात। ओके, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सुंदर बेटा को प्रभु ने हमारे भांजा भांजी को दिया, और ये बेटा का नाम आपको मालूम है, इसका नाम आज से अय्यूब है। हालेलुया। और हम इस बेटा के लिए प्रार्थना करेंगे, सब अपने हाथों को बढ़ाओ। सचमुच अय्यूब के बारे में आपको मालूम है, बाइबल में लिखा अय्यूब उच्च देश में रहता था और वो परमेश्वर का दास था, और उसके जैसा खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं था। ये वही बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता इसके नाम के साथ इसके काम को भी ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम तेरे दास और दासनी इस बच्चे को प्रभु तेरे खून से छुपा देते हैं। इस बेटा को अपने सामर्थी हाथ में लेकर इन्हें बड़ा कर प्रभु, और इस बेटा अय्यूब को आपके ब्लड के नीचे ढांप देते हैं। जीवन भर प्रभु तेरे आशीष इस बेटा पर ठहरा रहे यीशु के नाम में। मेरे पिता तेरे हाथों के नीचे देकर दो, यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु बहुत आशीष दे, जय मसीह की। ठीक है, ये अब चर्च में रहेगा आप लोग। कोई बात नहीं, यहाँ पर रहने दीजिए, अपने हाथों में रख कर इसे अब प्रभु के वचनों पे चलाइए। और पास्टर जी के लिए लड्डू लेकर आए हम लोग। सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु के दास, इस बहन का भी एक गवाही आई हुई है। हाँ। इस बहन का नाम चंद्रिका जाटवर है। हाँ। और ये ग्राम सारसडोल से आई हुई है। हाँ। और इस बहन की गवाही है कि इनके पीठ के बाएं साइड में 15 दिन तक दर्द हो रहा था, और बहन ने प्रभु के दास से विश्वास के साथ प्रार्थना कराई तो इनके जो बाएं साइड में, पीठ के बाएं साइड में जो दर्द बनी थी वो यीशु मसीह के नाम से धुआं बन गई है। आई चर्च जोर से ताली बजा कर ये शरीर ये सूदा चली जा बीमारी है, ये शरीर ये सूदा। प्रभु के दास, इस बहन के भी एक गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इस बहन का नाम पूर्णिमा जाटवर है। ओके। और ये ग्राम सारसडोल से आई हुई है। हाँ। और इस बहन की गवाही है कि ये फास्टिंग रखना चाहती थी, परमेश्वर के लिए उपवास करना चाह रही थी, पर शैतान इनके फास्टिंग रखने में बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रही थी, और बहन ने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई और खुदा ने इन्हें 2 दिन की फास्टिंग रखने में अनुग्रह प्रदान किया। आई चर्च जोर से ताली बजा कर परमेश्वर के नाम की खुदा बन तेरा चूलेना जिंदगी बदल देता है, खुदा बन तेरा चूलेना जिंदगी बदल देता है, खुदा बन तेरा चूलेना जिंदगी बदल देता है। प्रभु के दास, इस बहन के भी एक गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इस बहन का नाम अंजलि है। हाँ। और ये ग्राम सारसडोल से आए हैं। ओके। और इनकी गवाही है कि इनको पिछले संडे में इनके बाजू में, इनके पेट में दर्द हो रही थी, और इनको टाइफाइड
कि बुखार भी थी और इस बहन ने प्रभु के दास से विश्वास के साथ प्रार्थना कराई तो इनके जो पेट में दर्द थी और जो टाइफाइड थी वो सब यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो गई है। आई चर्च जोर से ताली बजाओ, मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। कितने समय हो गया था आपके टाइफाइड, जो आपको टाइफाइड का फीवर था वो बहुत समय हो गया था, टाइफाइड था वो। फिर भैया ने प्रार्थना किया अगले रविवार को, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी तो फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई, परमेश्वर के धन्यवाद। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रभु के दास, इस बहन की भी एक गवाही आई हुई है। हाँ। सिस्टर का नाम लक्ष्मी है। हाँ। और ये ग्राम सारसडोल से आई हुई हैं। Okay. और इस बहन की गवाही है कि इनको 2 सप्ताह से बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी। हाँ हाँ। और इस बहन ने विश्वास करके प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो सारी खांसी से अभी यीशु के नाम में चंगी हो गई है। आई चर्च जोर से ताली बजाकर चली जा बीमारी, ये शरीर ये सोना जा, चली जा बीमारी, ये शरीर ये सोना। प्रभु के दास, इस बहन के एक बेटे का भी गवाही आया हुआ है। इस बहन के बेटे का नाम भानु प्रताप है। हाँ हाँ। और ये ग्राम बड़ी सी पद से आए हुए हैं। हाँ। और इनकी बेटी की गवाही है कि वो जो जॉब करते हैं वो 1 सप्ताह तक बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो उनका जो जॉब बंद हो गया था वो यीशु मसीह के नाम से अभी चालू हो गया है। आई चर्च जोर से ताली बजाकर परमेश्वर यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, मसीह में मुनज़्ज़ब हुआ यहोवा, 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 यहोवा। प्रभु के दास, इस बहन के भी एक बड़ी गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इस बहन का नाम सुखबाई है। हाँ। और ये ग्राम सारसडोल से आए हुए हैं और इस बहन की गवाही है कि इनको 15 साल तक दुष्टात्मा परेशान करके रखा था, 15 साल तक डेविल इनके जीवन में काम कर रही थी और बहन ने प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो सारी गंदी इविल स्प्रिट इनके शरीर को छोड़ के चली गई है। आई चर्च जोर से ताली बजाकर मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। इनके बेटी की भी एक बड़ी गवाही है। हाँ। इनके बेटी के भी जीवन में शैतान काम कर रही थी, 4 महीने तक उस बहन को डेविल ने परेशान करके रखा था और कल आने वाले जो पिछले अभी शुक्रवार गया उसमें उस इन लोगों ने प्रार्थना में सहभागी हुए, रात्रि काल की जो शुक्रवार की जो होल नाइट प्रेयर होती है उसमें वे आए थे और उस रात्रि को परमेश्वर ने उस बहन को भी गंदे स्प्रिट से फ्री किया है। आई चर्च इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाएं। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। अब बताएंगे परमेश्वर ने किस तरीके से आपके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की, मोर आत्मिक माता पिता मतलब जय मसीह की। प्रभु के दास द्वारा वो दिन घर में भी प्रेयर रखे रहे तो 1 घंटा के तो घरों में मोर बेटी बहुत जोर से दुष्ट आत्मा धर रही से ओला हाथ पैर बांध के बैठा रहे, बैठा रहे नहीं सकते रहे, दूज धरत रहे तब होला
प्रभु दास मन फिर से प्रार्थना उरार्थना कही तो फिर वो शांत हुई और बाद में फिर हम पूरे घर के पूरा सब झला दुष्ट आत्मा रही सबके लिए प्रभु दास प्रार्थना करी सब कर लिए छुटकारा पाने। इस बहन की गवाही है कि इनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा शैतान काम कर रही थी, इनके पूरे परिवार को दुष्टात्मा परेशान करके रखा था और इस बहन ने प्रभु पर विश्वास किया और विश्वास करके प्रभु के दास से प्रार्थना कराई, तभी इनका पूरा परिवार यीशु के नाम में फ्री है। सारे अंधकार की ताकत इनके फैमिली को छोड़ के चली गई है, इसलिए बहन सारी महिमा उस स्वीत परमेश्वर को देते प्रभु के दास। इस बहन के भी एक बड़ी गवाही आई हुई है। हाँ। इस बहन का नाम तीजमती है। हाँ। और ये ग्राम मोहतरस से आए हुई हैं। हाँ। और इनकी गवाही है कि इनको एक बिच्छू ने 3 बार काट लिया था। यस। एक जो बिच्छू था इनको 3 बार काट लिया था और इन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जो बिच्छू के डंग मारने से जो बॉडी में प्रॉब्लम होती है वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, खुदा ने इन्हें प्रार्थना के दौरान चंगाई को दिया। इसलिए आई चर्च जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। प्रभु के दास इस बहन के भी एक गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इस बहन का नाम आगस भाई है। हाँ। और ये ग्राम सल्ली से आई हुई है। ओके। और इनकी गवाही है कि ये गुड़ाखुर का नशा कर रही थी, गुड़ाखुर का सेवन करती थी और रात में बार बार बहुत ज़्यादा इसका सेवन करती थी और बहन ने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो सो जो जो गुड़ाखू गठने का सेवन था उससे खुदा ने जो नशा की आदत थी उससे खुदा ने पूरी रीति से फ्री किया है। आई खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। आप बताएंगे कितने साल से आप नशा में थी? सबकी जय मसीह की। जय मसीह की। मारो नींद नहीं पड़े, रात भर मैं गुड़ाखूर उठ के घंसत रहा। एक दिन मैं मोबाइल द्वारा से बचन ल सुने प्रभु के, नशा के द्वारा से बचन ल सुने तो मैं प्रभु के ना लेके मैं कहे आज ले गुड़ाखूर छोड़ दे था कहे आमीन। तो मैं गुड़ाखूर ल छोड़ दें उतना दिन ले मैं गुड़ाखूर नहीं घंसा पर मैं जावा मोन। कितने साल से आप कर रहे थे? और 20 साल हो गए। हालेलुया। 20 साल तक ये गुड़ाखू कर ऐसा करती थी और खुदा ने इन्हें फ्री किया है, इसलिए आई चर्च पुनः ताली बजाकर परमेश्वर के नाम। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। प्रभु के दास इस बहन के भी एक गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इस बहन का नाम सावित्री है। हाँ। और ये ग्राम भद्रा से आए हुए हैं। ओके। और इस बहन की गवाही है कि इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था और लड़ाई झगड़ा होने के कारण इनका पति घर छोड़ के चला गया था और इस बहन ने प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो इनके पति को खुदा ने घर लौटने में सहायता किया। आई चर्च ताली बजाकर परमेश्वर नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे। कितने दिन के लिए आपका हस्बैंड घर छोड़ के चला गया था और प्रार्थना के बाद क्या हुआ? हम दोनों में रात में बहुत झगड़े हुए, उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए थे कि मैं दोबारा नहीं लौट कर आऊंगी मर जाऊंगा। और फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे पति सही सलामत घर लौट आए और फिर वो आ गए। आमीन। आई चर्च पुनः ताली। नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे। प्रभु के दास इस बहन के भी एक गवाही आई हुई है। हाँ। इस बहन का नाम ब्रह्मशिला है। हाँ। और ये ग्राम बड़ी सी बस्ती है
और इस बहन की गवाही है कि ये लोग घर बना रहे थे, घर बनाने की जो नींव डाल रहे थे और इन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो एक महीने में जो ये घर बना रहे थे उसे खुदा ने तैयार होने के लिए सहायता किया। आई चर्च पुनः ताली बजाकर परमेश्वर के नाम वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा के दास। इस बहन के भी एक गवाही आई हुई है। हाँ हाँ। इस बहन का नाम सहोदरा है। हाँ। और ये ग्राम कुर्दा से आई हुई है। ओके। और इनकी गवाही है कि इनके कमर में दर्द हो रहा था और ये बहन प्रभु के दास से विश्वास के साथ प्रार्थना कराई तो सारे कमर दर्द यीशु मसीह के नाम में धुआं बन गई है। और इनकी दूसरी गवाही है इनकी भतीजी और भतीजा की गवाही है। इनके भतीजे को पेचिस हो गया था और इनके और वो बच्चा खाना भी नहीं खा रहा था और ये बहन प्रभु के दास से विश्वास के साथ प्रार्थना कराई तो जो बच्चा का पेचिस का प्रॉब्लम था और जो खाना नहीं खा पा रहा था वो सब यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो गई। अभी सब कुछ यीशु के नाम में नॉर्मल है। आई चर्च पुनः ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। कितने समय से कितने साल समय से आपके कमर में दर्द था? मैं कमर में बहुत दिन से दर्द होत रही सवे प्रार्थना के बाद करीब 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 दो तीन महीने से दर्द होए प्रार्थना करे पास्टर पिछले संडे में कही कि जितना शैतान परेशान कर रहे थे वो सब आवा एक मैं एक साथ प्रार्थना करी हाँ सबके लिए कही तब महू आए कर और प्रार्थना करी उतना दिन मोर कमर के दर्द गायब हो गए है प्रभु यीशु चंगाई छुटकारा दी ओ कले प्रभु लाखों लाख धन्यवाद दे। आई पुनः जोर से ताली बजाकर यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। प्रभु के दास इस बहन के भी एक बड़ी गवाही आई हुई है। हाँ। इस बहन का नाम मनन है। हाँ। और ये ग्राम किरारी से आई हुई है। Okay. और इनकी गवाही है कि इनको तीन चार दिनों से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। हाँ। वे बिल्कुल खाना नहीं खा पा रही थी और इन्होंने प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो इनके पेट के सारी दर्द यीशु मसीह के नाम में धुआं बन गई है। आई चर्च पूरा ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस बहन की भी बेटे की गवाही आया हुआ है। हाँ हाँ। और इस बहन का नाम धनेश्वरी है और ये ग्राम मोहतरस से आए हुए हैं। हाँ। और इनकी गवाही है कि इनके बेटे को चिकन पॉक्स हो गया था। हाँ। और चिकन पॉक्स होने से बहुत ज्यादा बॉडी में प्रॉब्लम होती है पर बहन ने प्रभु के दास से विश्वास के साथ प्रार्थना कराई तो इनके बेटे के बॉडी में जो भी चिकन पॉक्स था उससे खुदा ने उसे छुटकारा दे दिया है। आई चर्च जोर से ताली बजाकर परमेश्वर मत चुपचाप खड़े रहो खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा के नजात के काम देखो। एक बार पुनः जोर से ताली बजाए जोर से जोर से जोर से। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तमाम गवाहियों को रखने में मदद किया और परमेश्वर को हम सभी गवाहियों के लिए आदर मान महिमा सम्मान सब कुछ देते हैं। सच में परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को कर रहा है और करने आने वाले समय में भी करने जा रहा है। बस हमें विश्वास करना है और आने वाले समय में भी हम अपने जीवन से संबंधित गवाही अनगिनत गवाहियों को परमेश्वर के महिमा के लिए रखेंगे। इसलिए सारी गवाहियों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ।